हंसना सबके लिए जरूरी है कि नहीं? हंसी आई आपको? एक्टर के लिए अलग अलग तरीके से कैसे हंसना है ये सीखना जरूरी है, पर मेन चीज क्या है? स्टेज पर हंसना। अब होता यूं है कि हमारी जिंदगी में हम लोग हंसते हैं क्योंकि हम खुश होते हैं। अब स्टेज पे हम खुश नहीं हैं, हो सकता है कि रास्ते में किसी के साथ झगड़ कर आए, हो सकता है बस छूट गए, दौड़ते भागते हुए आए, और स्टेज पे हमें हंसना है। और दूसरी चीज ये भी है कि काफी एक्टर जब स्टेज पर उनको कहा जाता है कि आपको यहाँ पर हंसना है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो अंदर से आवाज नहीं आती, जिस प्रकार से बोला गया है वैसा हंसना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस एपिसोड में मैं आपको हंसना कैसे है स्टेज पर वो सिखाने वाला हूं, उसकी साइंटिफिक मेथड जिसे हम कहते हैं हाउ टू क्रिएट अ लाफ्टर, फिर उसमें आप वेरिएशन करके अलग अलग तरीके के हास्य पैदा कर सकते हैं। पर आज का हमारा जो ये एपिसोड है वो बेस्ड है हाउ टू क्रिएट अ लाफ्टर। यह है एक्टिंग की मास्टर क्लास और मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मस्कर। आज हम देखेंगे स्टेज पर हंसना कैसे है। दोस्तों, आपको स्वर और व्यंजन पता है, स्वर अ आ ई ई उ वो वाले, तो हमें करना यह है कि सिर्फ उसमें ऐड करना है ह, ह हा ही हु, इस तरह। अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। बेसिकली जब हम हंसते हैं तो उसमें ह शब्द का प्रयोग होता है। समझा? अगर सेम तरीके से हंसा जाए तो ह हा ही हु हे है हो हौ हम हा, इससे हम एक ही तरह का लाफ्टर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हा 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 हा
पर अगर हमें लाफ्टर को चेंज करना है, उसमें बदलाव लाना है, क्योंकि एक तरीके से करने से फिर वो मोनोटोनस हो जाएगा, तो हमें उसको बदलना है, तो इसमें कोई गणित नहीं है। जैसा कि समझ लीजिए, 3 बार हा हा हा, फिर 2 बार हु हु, फिर 1 बार ही, और फिर 3 बार हा हा हा। तो कैसे होगा? हा हा हा, हु हु, ही, हा हा हा। अब इसको फास्ट करना है। हा हा हा, हु हु, ही, इस तरीके से ये एक लाफ्टर बना। ऐसे अपने कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग लाफ्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब एज एन एक्टर हमें ये भी सोचना है कि ये इंसान धूर्त है, किसी को कुछ नुकसान पहुंचाया है और उस पे वो खुश होकर हंस रहा है। तो यहां पर हमारा जब भाव आएगा तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि इसमें किस प्रकार का लाफ्टर जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान इसी तरीके से धूर्त दिखाया जाए, अलग तरीके से भी धूर्त दिखाया जा सकता है। एक एग्जांपल, तो आपके भाव जब इसमें ऐड होंगे तो ये लाफ्टर जो है वो एक रंग पकड़ेगा, वो एक अलग कैरेक्टर को दिखाने की एक चीज बनेगा। पर इसमें भी मिक्सिंग ऑफ स्वर और हा हा ही वो तो है ही। तो हरेक लाफ्टर में ये बेसिक चीज है। अपना दिमाग लगाइए, अपना इमोशन को उसके अंदर डालिए और अपने लिए खुद का लाफ्टर, अपने खुद के कैरेक्टर के लिए खुद का लाफ्टर आप डिजाइन कीजिए। सो यू आर अ डिजाइनर विद दिस टूल ऑफ एक्टिंग। तो ये है एक्टिंग की मास्टर क्लास। आज हमने सीखा कि लाफ्टर स्टेज पर कैसे पैदा किया जाए। आशा है कि हमारे सारे वीडियो आप देखते होंगे, आपको बहुत मजा आ रहा है, रिस्पॉन्स हमें भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ऐसे ही जुड़ते रहिए, आप भी वीडियो देखिए, एक्टिंग सीखिए, आपके दोस्तों को, आपके फैमिली मेंबर्स को भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मस्कर और ये है एक्टिंग मास्टर क्लास।